अमृतसर विच उस वेले हफड़ा दफड़ी का माहौल बन गया जदों कुशल्या टावर नां दी इक बिल्डिंग नूं अचानक अग ने अपनी लपेट विच लै लिया, जिस तों बाद मौके ते पहुंचियां दमकल विभाग दीआं गड्डियां ने अग ते काबू पाया। वापरी इस घटना बारे पता लगन ते इलाके दी पुलिस ने मौके ते पहुंच के अग लगन दे कारणां दी जांच शुरू कीती। दसिया जा रहा है कि अग शॉर्ट सर्किट कारण लगी है और बिल्डिंग विच टाइला दी दुकान नू अग लगी है। फिलहाल वापरी इस घटना विच जानी ते माली नुकसान तो बचा रहे है। बिल्डिंग दे मालिक ते पुलिस अधिकारी ने वापरी इस घटना बारे जानकारी दिंदे हुए दसिया कि अग शॉर्ट सर्किट कारण लगी है। ये शॉर्ट सर्किट होया एकदम ते ओदे नाल धुआं काफी इकट्ठा हो गया ते गार्ड ने इनफॉर्म किया कि उपर बड़ा धुआं आ रहा है ते मौके दे उत्ते ही फिर फायर ब्रिगेड नू कीता ते आई एम वेरी थैंकफुल फॉर फायर ब्रिगेड। वो बड़ा ही स्पीड से आए ने, उन्होंने रैपिड एक्शन लिया, उन्होंने अपनी सारी नवी किटा यूज़ कीतियाँ ते अग नू कंट्रोल फटाफट कर लिता। नुकसान कुछ नहीं होया, नुकसान जिहड़ी उत्थे बिजली तारां गईआं सी जिहड़ियां है जी, ओह उन्हां दी करके काफ़ी धुआं जनरेट हो गया सी ते रब दा लख लख शुक्र है बचाव हो गया। नहीं कोई जानी माणी नुकसान नहीं, अजकल उस तरह ही लॉकडाउन हैगा ते बिल्डिंग है नहीं सी ते बाहर गार्ड बैठदा सी, गार्ड ने दस्सा सी ते मौके ते कंट्रोल हो गया। फायर ब्रिगेड ने बहुत वधिया काम किया जी, मैं आई एम रियली थैंकफुल फॉर फायर ब्रिगेड। नहीं तो लोग यही समझते जी फायर ब्रिगेड बड़ा लेट आता, पर बड़े टाइम सिर आया, इन्होंने बहुत अपनी मुस्तैदी दिखाई है ते सारा स्टाफ जिहड़ा उन्हां दा टाइम सिर पहुँचा इत्थे। यह इस तरह भी शॉर्ट सर्कट ना फायर हुई है बेसमेंट दे विच बिल्डिंग दे जिथे कि टाइल्स का शोरूम सी ते उत्थे काफ़ी भयानक फायर सी। साडियां मौके ते उस वेले चार गड्डियां म्युनिसिपल कारपोरेशन अमृतसर दियां ते एक सेवा सोसाइटी दी फायर टेंडर जिहड़ा मौके ते पहुंचिया, उहदे विच इही गल सी भी जिहड़ी फायर सी ओह इन्नी भयानक सी भी ओह सैकेंड फ्लोर तक फायर जिहड़ी ओह चली गई सी ते फायर ब्रिगेड ने इमीजिएट कंट्रोल करके तुसीं देख ही रहे हो भी बिल्डिंग दे बाकी फ्लोरस नूं भी सेव कर लिया ते जिहड़ी बेसमेंट ही ओह भी फायर जिहड़ी आ उहनूं भी उस वेले मिंटो मिंटी बुझा दित्ता ते 5 मिंट तो पहलां साडियां गड्डियां जिहड़ियां इस मौके ते पहुंच गईआं। किन्ना कु नुकसान दा अंदाजा बाद च लाया जाएगा क्योंकि जदों तक सारा फायर अजे पूरी चल रही है इस वेले ते बाकी दीआं बिल्डिंग्स भी सेव कर लईआं ने, नाल दीआं भी जिहड़ियां ने ते जिहड़ी बिल्डिंग 'च फायर सी ओह भी सेव कर ली। बिल्कुल नहीं जी, कितने भी फायर ब्रिगेड ने उस बिल्डिंग नूं भी नहीं इन्ना नुकसान होने दिता जिहदे विच फायर सी। तुसीं देख लो भी साडे हाईटैक इक्विपमेंट्स यूज़ करके साडे फायरमैन्स ने ब्रीदिंग ऑपरेटर सी, हैंड कंट्रोल ब्रांचां सी, स्मोक डिटैक्टर सी, उन्हां नूं यूज़ करन दे नाल ही असीं सीट ऑफ फायर तक पहुँच सके भी जिथे अग लगी उस जगह ते पहुँच गए ते इमीजिएट फायर नूं कंट्रोल कर। कोई जानी नुकसान नहीं आया जी, आउंदे बिल्डिंग नूं खाली करवा दिता गया ही, जिदा कि तुसीं देख रहे हो थले आंध्रा बैंक सी ओहदे भी कोई एक इत्थों तक एक फाइल तक नूं नहीं नुकसान होण दिता सी ते मौके ते सारा कंट्रोल कर लिया गया। इह कोई फोन आया हैगा राहगीर दा जिहड़ा दस रहा कि बिल्डिंग जिहड़े 25-26 नंबर एससी ओहदे विच्चों धुआं निकल रहा उत्ते, नाल आपां फायर ब्रिगेड वालिआं नूं कॉल कीता फिर जा के देखिआ कि उत्ते नहीं थले बेसमेंट भी अग लगी टाइलां दी जिहड़ी कोई शोरूम हैगा आ, हुण कंट्रोल कर लिआ अग दे उत्ते। कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं टाइलों का, थोड़ा नुकसान है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने वधिया बड़ा वधिया काम किया, बिल्डिंग का कोई खास नुकसान नहीं है, बस तारा जो शॉर्ट सर्किट हुई है। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसीं भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है, फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।